सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल वाइफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले आप इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट जो देख लें, जिससे आपके डाउट्स जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप टैंक के टॉप पे भी आप सेलोटेप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये पूरी कॉर्नर पे आप अच्छे से सेलोटेप लगाएं, कॉर्नर बैठा लें। आने बाद अच्छे से हाथों से, अब जो मैं इस टैंक के बैकग्राउंड में वॉलपेपर जो होती है वो मैं सेट करूँगा। ये जो वॉलपेपर रोल है मैं इसे नीचे लगाने जा रहा हूँ। सेलोटेप की ज़रूरत पड़ेगी और सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वॉलपेपर को ऐसे मैं सेट कर देता हूँ, सारे कॉर्नर्स को सेलोटेप से अच्छे से वॉलपेपर को चिपका ले। बैकग्राउंड में भी इमेज है, ये दोनों साइड की इमेज देखने को मिलेगी। तो टाइम टू टाइम से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आगे फ्रंट में या फ्रंट में बैक में आप कर सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो बैकग्राउंड जो है वो लग चुकी है और इससे जो टैंक की लुक्स है वो काफ़ी बेटर हो गई है। अब देख कर अब जो मैं स्टेप करने वाला वो ऑप्शनल है, आप चाहे कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये सेलोटेप का यूज़ करने वाला हूँ जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पे अपने टैंक को आप ऐसे, तो यहाँ पे आप सेलोटेप का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करनी है आपको। यहाँ से आप कॉर्नर्स पे यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो टैंक की लुक्स जो है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है टेपिंग होने के बाद। तो अब जो है वो टैंक के अंदर की जो डेकोरेशन है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे गिट्टी का यूज़ कर रहा हूँ जो कि घर बनाते टाइम ढलाई के टाइम यूज़ किया जाता है। आप चाहे और भी डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे ऐसे सुंदर तो यहाँ पे मैं जितनी भी गिट्टी जो डालनी थी मैंने डाल चुका हूँ। अब मैं इसमें हाउस जो है वो ऐड करता हूँ। तो ये रही आपके सामने हाउस, आप चाहे तो कुछ भी इसमें लगा सकते हो अपनी डेकोरेशन के हिसाब से। मैं यहाँ पे हाउस यूज़ कर रहा हूँ और इस हाउस मैंने यूज़ कर लिया। साथ में आप इस पाइप का भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट में। अब मैं कुछ ग्रासेस ऐड करने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख लो। आप चेक कर लें भी मैं ऐड करने वाला हूँ। ग्रास ग्रास में ऐड करने वाला हूँ।
यहाँ पे जो अंडे की डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब है टाइम जो इसमें वाटर डालने का, तो अब मैं इसमें वाटर डाल के दिखाता हूँ, टैंक को फुल करता हूँ। तो अब टाइम आ चुका है टैंक में वाटर डालने का, तो मैं यहाँ पे वाटर डालता हूँ एक बार पाइप से अच्छे से। इसमें धीरे धीरे वाटर जो है वो टैंक को अब फुल कर लें, आप देख पा रहे टैंक है वो फुल हो रही है। तो यहाँ पे टैंक जो है वो 50% फुल हो गई है। अब थोड़ी सी टाइम में टैंक पूरी फुल हो जाएगी। टैंक जो है वो कंप्लीट भर चुकी है, आप देख लो। तो यहाँ पे टैंक जो है वो फुल हो चुकी है। फुल होने के बाद आपको कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा टैंक के ऊपर से। अब जो है मैं इसमें वाटर पम्प ऐड करता हूँ। ये एयर पम्प आप देख पा रहे हो, एक्वेरियम एयर पम्प, जिससे जो टैंक के अंदर जो है वाटर एयर जो प्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे रिमूव करते हैं। इस टाइप का कुछ आपको एयर पम्प आपको देखने को मिलेगा, और साथ में ये जो मैंने पाइप अटैच किया था। तो यहाँ पे आप एक्वेरियम एयर पम्प को इस पम्प से कनेक्ट कर लें, जो कि मैंने डेकोरेशन करने के टाइम इसे लगाया था। इसे आप इजीली ऐसे कनेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आप पावर प्लग को इस बोर्ड में आप ऐसे शिफ्ट करें, और यहाँ पे पावर प्लग जो है वो ऑन करें। ऑन करने के दौरान आप देख पा रहे हो कि जो एक्वेरियम्स के अंदर है वो बबल्स निकलना शुरू हो गई है, जिससे जो एक्वेरियम के अंदर जो वाटर एयर की कमी जो वो नहीं रहेगी, आप देख पा रहे हो। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करने वाला हूँ, जिससे जो पानी है वो खारा हो जाएगी, क्योंकि जो एक्वेरियम जो फिश आती है वो समुद्र के पानी में रहती है। तो हम इसमें 2 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 स्पून सॉल्ट ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आप सॉल्ट का इस्तेमाल कर लेना, आप सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, जिससे पानी है वो खारा हो जाएगी। साथ मैं ऐड करूँगा ये एंटी क्लोरिंग लिक्विड, जिससे जो वाटर के अंदर टैंक के अंदर जो बैक्टीरिया होगी वो डेड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी एंटी क्लोरिंग का यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एंटी क्लोरिंग का यूज़ कर लिया, और साथ में एंटी इच जो है, इससे भी फंगस जो होती है वो किल्स हो जाती है। तो यहाँ पे आप भी इसे थोड़ी सी एंटी क्लोरिंग का यूज़ कर लें। अब जो टैंक है वो फिश डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो मैं टैंक में फिश ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बच्चा पास में फिश डालता हूँ नेट से। यहाँ पे जो फर्स्ट फिश है उसे मैं टैंक के अंदर डालता हूँ। टैंक के अंदर ये देखो पहली फिश जो है वो ऐड हो चुकी है। अब मैं सेकेंड फिश को टैंक के अंदर ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप सेकेंड फिश को टैंक के अंदर ऐड कर लें, निकल जा। यहाँ पे दूसरी वाली फिश भी जो है वो निकल चुकी है। फिश जो है इसे मैं टैंक के अंदर ऐड करता हूँ। तो फिश जो टैंक के अंदर वो ऐड हो चुकी है, आप देख पा रहे होगे। वो एक्वेरियम के ऊपर जो ढक्कन लगाने का, तो यहाँ पे मैंने ढक्कन जो है ये मैंने मार्केट से परचेज कर ली, 24x7 सेंटीमीटर की आपको ढक्कन जो है वो मार्केट से मिल जाएगी। बल्ब वो अटैच किया, देखो होल्डर्स मैंने लगवा चुका हूँ। और ये रही इसकी वायर, और ये रही इसकी बल्ब, LED बल्ब जो ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 6 वाट की LED बल्ब है, आप देख लो LED बल्ब है। अब मैं इसे 5 वाट की है ये, तो यहाँ पे मैं इसे रिमूव करता हूँ। ये ना बल्ब, इसे आप होल्डर में आसानी से जल्दी ऐसे सेट कर लें। अब जो मैं टैंक के ऊपर इस ढक्कन को लगा, अब मैं इसमें ढक्कन ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आप ढक्कन को इजीली ऐसे
लेके आए और इस तरफ चारों तरफ कॉर्नर पर इसको ध्यान रखे से यहाँ पर सेट करते हैं। यहाँ पर ढक्कन है वो लग चुकी है। ये रहा आपके सामने जो टैंक है वो पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आप देख पा रहे हो कितनी ब्यूटीफुल टैंक बनी है। तो मार्केट से बेटर और काफ़ी कम बजट में मैंने ये टैंक बनाया है। आई होप अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मैं जल्द ही मिलूंगा आप सबसे अपने कुछ नए फ्रेश वीडियो के साथ।